आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 24 जुलाई 2020 को एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे, जनसंपर्क मंत्री रहे पीसी शर्मा, किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गरिया रहे हैं ये हम आपको अभी दिखाते हैं। आइए सुनते हैं पीसी शर्मा क्या कह रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से सोनल सूर्यवंशी की रिपोर्ट है। देखिए यही हो रहा है, ये बड़े जो मंत्री हैं बगैर मास्क लगाए बैठते हैं और लोगों से कहते हैं मास्क लगाओ। और मैं समझता हूँ कि कैबिनेट के सभी लोगों का टेस्ट होना चाहिए। जब एक भदौरिया जी, अरविंद भदौरिया जी वहाँ बैठे थे, वो संक्रमित हुए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्दी स्वस्थ हों, लेकिन एक चीज उनको देखना चाहिए कि अपने बोलों को सही रखें और एक शिष्टाचार निभाएं। जिस तरह से हम देखते हैं कि महाराजा राजा कमलनाथ जी और अटल बिहारी वाजपेयी शिष्टाचार निभाते थे, चाहे हम चंबल से आएँ चाहे नर्मदा से आएँ किसी अंचल से आएँ, लेकिन अपने शब्दों को कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन किया है, इसमें ईद आ रही है और राखी आ रही है, दो त्यौहार मुस्लिम समाज के और हिंदू समाज के आ रहे हैं। इसमें मुस्लिम समाज के जो भी काजी साहब हैं और जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करके, हिंदू समाज हिंदू उत्सव समिति से बात करके कि आखिर ये कैसे होगा, ये दोनों कैसे मनाएंगे, इस पर बात की जाना चाहिए। हिंदू उत्सव समिति से जो हिंदू जो लीडर्स हैं भोपाल के, उन सब से जनप्रतिनिधियों से वो बात होना चाहिए और काजी साहब और इनसे ही बात होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज में जो कुर्बानी की जो प्रथा है उसमें जो गरीब आदमी होता है वो दूसरों के साथ सम्मिलित हो करता है, जो नहीं उसको वो कर पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कैसे होगा, ये इन जनप्रतिनिधियों से बातचीत करें, चाहे मुख्यमंत्री जी करें चाहे गृह मंत्री जी करें, लेकिन वो रक्षाबंधन और उसके ईद मनाने की चाहे सोशल डिस्टेंस एक कोई स्क्रिप्ट तैयार करना चाहिए, उसे होना चाहिए कि बहनें कैसे नहीं आएंगी अपने उनके घर भाइयों के घर, ये कैसे होगा। अगर आप लॉकडाउन कर दोगे फिर आप उनके स्कूटर जो गाड़ी से आएंगे उनको चालान करोगे, तो ये जो स्थिति है मैं समझता हूँ कि इसको बात करके सरकार को तय करना चाहिए। ये बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस समय। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। मध्य प्रदेश की 3 महीने लॉकडाउन, फिर 2 अनलॉक पीरियड, फिर सैटरडे संडे का लॉकडाउन और अब 10 दिन का लॉकडाउन, मतलब सरकार कोरोना के मामले में पूरी तरह से फेल हो गई है। आज जो लॉकडाउन लगाने की बात हो रही है इसलिए कि जो हॉस्पिटल्स हैं चिन्हित उसमें बेड नहीं है, जहाँ लोग जो आए संक्रमण के से पीड़ित लोग कोरोना से उनको वहाँ रखा जा सके, उनके इलाज हो सके, वो नहीं है आज की तारीख में। ये वजह है लॉकडाउन लगाने की। दूसरा, संक्रमण बढ़ रहा है, कल 215, ये सब पूरी बीजेपी के केंद्र की और मध्यप्रदेश सरकार है। शुरू में जब इनको कंट्रोल करना था वो कंट्रोल हो नहीं पाया और अब हम कम्युनिटी स्प्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। जैसे भोपाल राजधानी में अगर 10 दिन का लग रहा है, इसके पहले ग्वालियर में लग गया, मुरैना में लग गया, मतलब हम जा कर रहे हैं।
और उसके बावजूद बीजेपी के जो नेता हैं वो रैली करना, मीटिंग करना, वो फैलाना, ये वहाँ से वो फैलता है, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आते लगातार फैल रहा है। शुरू में टेस्टिंग कम हुई, आज की स्थिति देश की है कि हर एक दो सेकंड में एक संक्रमित व्यक्ति हो जाता है कोरोना से, और उनके इलाज प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, इसीलिए आज 30,000 के लगभग मौतें हो गई हैं। सहकारिता मंत्री, इसमें इन्होंने क्या किया है बिजली के बिलों में, कि जो पिछले साल 2019 का जो अप्रैल मार्च के बिल है उससे एवरेज निकाल के दे दिया है, और उसकी वजह से ही बिल ज़्यादा आ रहे हैं, कोई रीडिंग ली नहीं गई है। जो फिक्स चार्जेस भी जो कहा है इन्होंने, ये पोस्टपोन किए हैं, माफ़ नहीं किए हैं, फिक्स चार्जेस जो उद्योग बंद है, दुकान बंद है, इसको पोस्टपोन कर दिया है, तो ये लोगों पर भार है। दूसरा, जो महिला समूह काम करते थे उसको अलग अलग छोटी छोटी माइक्रो कंपनी ने लोन दिया हुआ है, मेरा सरकार से ये भी मांग है कि उनका दिवाली तक उनसे कोई पैसा वसूला नहीं जाए, क्योंकि उनके पास कोई आमदनी नहीं है, घरों में महिलाएं काम नहीं करने जा पा रही हैं इस संक्रमण की वजह से, छोटे छोटे जो धंधे थे वो बंद हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि प्रवासी मजदूरों को हम रोजगार देंगे, वो रोजगार मिला नहीं है। जो ठेले वाले, गुमटी वाले, इनको 10,000 रुपये का लोन देने की बात की थी, वो आज तक मिला नहीं है। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश की स्थिति भयावह है, और हर एक आदमी छोटे से बड़ा वो सब परेशान है, और मध्य प्रदेश पूरा डिप्रेशन में है। जो जिस क्षेत्र में चुनाव होंगे उस क्षेत्र के लोगों की जो डिमांड है और जो कांग्रेस वहाँ करना चाहती है, इसमें अतिथि शिक्षकों का मामला भी हम ले रहे हैं, बाकी मामले भी ले रहे हैं, क्षेत्रवार जो काम किए हैं कांग्रेस पार्टी ने वो ही बताएंगे, और जो बीजेपी के फेलियर रहे वो ही बताएंगे, और किस तरह से लंबी रकम लेकर ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव की वजह क्या है ये भी लोगों को बताएंगे, उनके बीच में जाएंगे। सर, किसानों को जिम्मेदारी रहो ना जी, किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस जिन किसानों की कर्ज माफी हुई है उनकी वीडियो जारी करेगी, और किसान खुद इस बात का प्रचार करेंगे कि हमारे कर्ज माफी। निश्चित तौर पर किसान खुद बताएंगे, मैं बता रहा हूँ 25,00,000 किसानों की ऋण माफी हो गई, ये फसल ऋण माफी थी, और तो और शिवराज जी के परिवार के लोगों का ऋण माफ हुआ, कमल पटेल के परिवार के लोगों का ऋण माफ हुआ, जो प्रत्याशी थे झाबुआ में उनके परिवार का हुआ, तो ये बताएंगे, ये एक्चुअल है, ये कोई फैक्चुअल नहीं है, ये एक्चुअल चीज़ें हैं जो लोगों को बताई जाएगी। और आज देखिए, अब ये एक चीज़ तो तय है कि भोपाल में कोरोना का संक्रमण रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल हुई है, और उसके जो भी कारण हो, लेकिन मेरा कहना है इसमें कि अगर आप 10 दिन का लॉकडाउन लगा रहे हो तो गरीबों को राशन जैसे बांटा था 12 किलो, वो 12 किलो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, केवल आधार कार्ड है, उस पर दिया जाए कल, और ये सब आज और कल में कर दिया जाए, क्योंकि कल रात से आप लॉकडाउन कर रहे हैं। दूसरा, बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, उनको बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं लोगों के, उस पर रोक लगाई जाए, और जो विकलांग लोग हैं उनके पास राशन कार्ड है ना कुछ है, उनके विकलांग सर्टिफिकेट, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विकलांग सर्टिफिकेट पर राशन मिल जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इस लॉकडाउन पीरियड में ये व्यवस्था भी सरकार पूरी तरह से करे। घोषणा की थी, और घोषणा इनके सभी खिलाफ उतरेंगे, पता नहीं इनके पक्ष में है कौन, ये सभी खिलाफ उतरेंगे, और ये सरकार अभी तो एक मुद्दा और आ गया है, इनको अपने 4 मंत्री हटाना है। सुप्रीम कोर्ट में जो नोटिस दिया है मुख्यमंत्री जी को और चीफ सेक्रेटरी को कि आपने 206 के हिसाब से क्यों नहीं बनाया, 230 के हिसाब से मंत्री कैसे बनाए, अभी तो झगड़े इस बात पे होंगे कि 4 कौन से मंत्री हटेंगे। इस सरकार में कहीं पे मुख्यमंत्री जी का कोई कंट्रोल नहीं है, और ये सरकार अपने वजन से, अपने करतूतों से खुद गिरेगी। जिन पुलिस अधिकारियों ने सही समय पर जो रिपोर्ट नहीं लिखी गई उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसके पहले सोनी समाज के 6 लोगों की हत्या हुई, ये साहू समाज का हो रहा है, दलित समाज का, कोई समाज बचा नहीं है, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे ओबीसी हो,
चाहे वो आदिवासी हो, सब पे इस मध्य प्रदेश में अत्याचार चल रहा है और जंगल राज है। मांगे क्या है सर? हमारे खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। ये सिद्ध होता है कि एक अधिकारी जाके जो SC आयोग है उसके अध्यक्ष अहिरवार जी उनके ऑफिस में ताला लगा रहे हैं, ये बताता है कि अब वो आयोग जो दलितों की बात कर रहा था वो कह रहा था कि इन लोगों को जो गुनाह के मामले में जिन लोगों को सजा देना है उस पर उन्होंने तालाबंदी कर दी ऑफिस में। इस तरह से ये दलित समाज के विरोधी हैं। एक साहू जी हमारे जन्मतिथि है और लोकमान तिलक जी की आज जन्मतिथि है, जिनने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जनसिद्ध अधिकार है। जिस तरह से देख रहे हैं मध्य प्रदेश में देश में घोषित इमरजेंसी चल रही, इस सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और अभी दोनों की जो प्रतिमाएं हैं उन पे जाके हम माल्यार्पण करेंगे। ये है वरक साहब को कि स्मार्ट सिटी की वजह से बहुत से वार्ड इसमें जनसंख्या कम हो गई है, चाहे वो वार्ड 32, 31, 25 में, इसलिए पहले परिसीमन किया जाए उसके बाद फिर जो वार्डों का आरक्षण किया जाए। सर बीजेपी संघ जो अपनी मीटिंग करता है उसका कोई एजेंडा नहीं होता है और इसमें खास बात ये आई ये जानकारी में कि जो कांग्रेस से बीजेपी में गए दल बदल कर करोड़ों रुपए की लेन देन करके इनको नहीं बुलाया जा रहा है, मतलब इनको माना नहीं जा रहा है कि हमारे मंत्री हैं, ये हालत है इनकी वहाँ पर। और दूसरी तरफ देश की केंद्र की मोदी सरकार के पास भी कोई एजेंडा नहीं है इस समय। उनके 2-3 एजेंडे हैं, एक तो चीन के बारे में बात करते रहो कि चले गए पीछे, आ गए पीछे चले गए, और दूसरी बातचीत उस राम मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, जिसका ऑलरेडी भूमि पूजन हो चुका है। और शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी ने कहा है कि ये इस समय मुहूर्त नहीं निकलता है ज्योतिष के साथ, तो ये इस तरह की चीज़ों की बात करो। आत्मनिर्भर अब तो स्थिति ये हो गई है कि देश के हर आदमी को खुद ही आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, कहीं कोई बचाने वाला नहीं है। कल 2 आत्महत्याएँ हुई जिनके रोजगार चले गए थे, एक खंडवा में और कहीं एक मुरैना में, और प्रतिदिन बेरोजगारी की वजह से भुखमरी की वजह से आत्महत्याएं हो रही हैं और पूरे मध्य प्रदेश में इस समय जंगल राज चल रहा है। We'll be right back.